हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिजिटल सर्कल। तो आज के स्टूडियो में जीके सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस स्टूडियो में एग्जाम पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और स्टूडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और जो इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प अधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है? तो ऑप्शन ए है सिगरेट उद्योग, ऑप्शन बी है नाई की दुकान, ऑप्शन सी है गेहूं पैदा करने वाले किसान और ऑप्शन डी है वेल्डिंग की दुकान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिगरेट उद्योग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिगरेट उद्योग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से निम्न में से कौन सी एक है? ऑप्शन ए है उत्पादन, उत्पाद में विभेद और ऑप्शन बी है किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य, ऑप्शन सी है विक्रेता अधिक लेकिन क्रेता कम और ऑप्शन डी है किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है। ठीक है, तो किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। ठीक है, तो किसी एक समय में एक जैसे सामान है उसके लिए एक समान मूल्य होगा। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्त में निम्न में से कौन सी एक है? तो इसका राइट आंसर है किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? तो ऑप्शन ए है IRDA, ऑप्शन बी है सेबी, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है DRI। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेबी। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड के लिए विनियामक की भांति कार्य करता है तो कौन कार्य करता है? सेबी। ठीक है, सेबी एक ऐसी एजेंसी है जो म्यूचुअल फंड के लिए विनियामक की भांति कार्य करती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है राखीगढ़ी, ऑप्शन सी है कालीबंगन, ऑप्शन डी है आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राखीगढ़ी। ठीक है, तो राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1935 और ऑप्शन डी है 1955। तो इसका राइट आंसर है 1921। इसका राइट आंसर है 1921। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।